नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या कोई इंसान अगर आप पे टोटका कराना चाहता है तो वो किन जानकारियों को इकट्ठा करना चाहेगा और उसको करनी हो ज़रूरी होंगी आप पे टोटका कराने के लिए, किन बातों को वो जानने के लिए आपके से चिपकेगा, मीठा बनेगा ताकि वो आप पे टोटका करा सके। दोस्तों कोई भी ब्लैक मैजिक होता है तो कोई भी इंसान है वो स्ट्रेट अवे किसी पर ब्लैक मैजिक एकदम से नहीं करा सकता। जो भी ये ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं इन्हें कई इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है। इनमें सबसे ज़्यादा मेन एलिमेंट माना जाता है उस इंसान का नाम और उसके माँ बाप का नाम। अक्सर बाप का नाम ना हो तो माँ का नाम और उस इंसान का नाम बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो अक्सर इंपॉर्टेंट मानी जाती है ब्लैक मैजिक में वो होती है फ़ोटोग्राफ्स, फ़ोटो, खासकर करंट फ़ोटो। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि फ़ोटो के द्वारा जो भी स्पिरिट भेजी जाएगी उसको पहले ही अवगत करा दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर इंसान है। तीसरी चीज़ चाहिए होती है एड्रेस। नेगेटिव स्पिरिट्स को भी एड्रेस चाहिए होता है जाने के लिए, इनको पता चाहिए होता है। ये बात सुनने में बड़ी भले ही मजाकिया लगे पर हकीकत में ऐसा होता है। जब आपका एड्रेस भी पता लग जाता है तो इस एड्रेस को हर तरीके से, किस तरीके से उसको यूज़ करती हैं स्पिरिट्स आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा आपके कपड़े, बहुत लोग अक्सर क्या करते हैं कि आपके कपड़े मांग के ले जाते हैं। आपका यूज़ किया हुआ कोई कॉम्ब जिसमें आपके बाल हो, आपका यूज़ किया हुआ परफ्यूम, आपके इनरवेयर, उसके अलावा आपका खाया हुआ पिया हुआ कोई खाना जो प्लेट में झूठा हो, अक्सर लोग ऐसी चीज़ें भी ले जाते हैं। हालांकि कैसे वो करते होंगे आई डोंट नो, ये उनकी हिम्मत है, पर इस तरीके के काम भी वो करते हैं क्योंकि जहां आपका झूठा कहीं पे भी पड़ा हुआ है आपके मुंह से खाया हुआ एंड उसमें बचा हुआ पीस है तो उससे भी नेगेटिव क्रिया, तांत्रिक क्रिया हो सकती है। इसके अलावा आपके यूज्ड किए हुए यूटेंसिल्स, आपने झूठा करके चुके हो आप ग्लास वगैरह एनीथिंग लाइक डैट, उस पर आपका सलाइवा है एंड आपने पिया है पानी तो उससे भी नेगेटिव क्रिया हो सकती है आप पे। तो ये कई चीज़ें होती हैं जो लोग अक्सर ले जाते हैं, यहाँ तक कि आपके घर की जो है मिट्टी तक ले लेते हैं। इस तरीके की चीज़ों से कहीं ना कहीं एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने का एक ये माध्यम होता है विद द पर्टिकुलर पर्सन जिसके ऊपर नेगेटिविटी छोड़नी है। और कहीं ना कहीं ये लोग अक्सर इसी ऐसी कोई ना कोई कलाकारी करके माध्यम इस्टेब्लिश कर देते हैं जिससे ब्लैक मैजिक सक्सेसफुल हो जाता है। सबसे ज़्यादा तगड़ा ब्लैक मैजिक तो भोजन के थ्रू ही होता है, खिला पिला के होता है। और अक्सर जब लोग ये सब काम नहीं कर पाते तो वो कहीं से कुछ पड़वा के लाते हैं मिठाई में या किसी चीज़ में और आपको बार बार खिलाते हैं। ऐसा वो एक बार ही नहीं करते, कई दफ़ा करते हैं और स्पेसिफ़िक डेज़ पे करते हैं, स्पेसिफ़िक इंटरवल्स पे करते हैं और इम्पॉर्टेंट तिथियों पे भी करते हैं। तो खिलाया हुआ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में जब वो खाना पच जाता है तो वो एक जो वो खिलाई हुई चीज़ होती है वो चीज़ माध्यम होती है, जो एक मोहरा बनी होती है आपकी बॉडी में आने का। तो आपकी बॉडी में अंदर उस नेगेटिव स्पिरिट को डालने के लिए वो मिठाई या वो जो भी वो खाना है वो एक माध्यम बनता है। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है। हालाँकि उसके अलावा कई तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने अभी मेथड बताए उसके द्वारा कोई भी बंदा दूर बैठे ब्लैक मैजिक अगर कराना चाहता है तो वो ये सब चीज़ें तलाशता रहता है, पता करता रहता है आपके विषय में। तो मुझे उम्मीद है जिनका सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को ताकि आपको पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत के संकट से परेशान हैं तो मेरी धुनी मंगवाइए, घर में जलाइए सुबह शाम, अपने ऊपर से धुनी का उतारा करके जलाइए गोबर के उपले पे, जिसने जो भी चीज़ छोड़ी है वापस उसी के पास पहुंच जाएगी। धुनी खरीदने के लिए आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी कोई परेशानी है तो ईमेल भी कर सकते हैं pulkitsingla901@gmail.com पे। आपको ये डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।